नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यानी कि अगर आपके सामने कोई चीज छुपी हुई है उसका सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सिर पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो सारी बातें हैं हम ये कह रहे हैं सोनू सूद के संदर्भ में। पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई कि आयकर विभाग ने सोनू सूद के घर पर, उनकी कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान सोनू सूद पर अधिकारियों ने आरोप लगाए कि उन्होंने 20 करोड़ की टैक्स चोरी की है। कुछ थोड़ा बहुत लेन देन हुआ और उसके बाद 17 करोड़ का तो उनके ऊपर आरोप ही लगा कि उन्होंने लोगों से मदद करने के नाम पर पैसे इकट्ठा किए और उसके बाद वो पैसे उनके अकाउंट में पड़े हैं, उसका उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया और ये अमाउंट 17 करोड़ रुपए बताया गया था। सोनू सूद पहले भी इस मामले पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन अब जो उनका बयान इसमें सामने आया है वो न सिर्फ अधिकारियों को एक तरीके से करारा जवाब है, बल्कि उन सभी सवालों का जवाब है जो उन पर पिछले कुछ दिनों से उठाए जा रहे हैं। सोनू सूद ने कहा है कि जो 17 करोड़ मेरे पास है, मैं उनसे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूं। 2 करोड़ मैंने निर्माण के लिए एडवांस में दे भी दिए हैं और मैं बचे हुए पैसों से अब उसी का निर्माण कराऊंगा। सोनू सूद कहते हैं, कोई भी फाउंडेशन अगर धन प्राप्त करता है तो उसके पास खर्च करने के लिए 1 वर्ष का समय होता है। अगर तब तक फंड उपयोग में नहीं आया तो आप उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, ये नियम है। मैंने अपना फाउंडेशन कुछ महीने पहले बनाया है, तब कोरोना वायरस की दूसरी लहर नहीं आई थी। कोरोना की पहली लहर के समय मैंने बिना किसी फाउंडेशन की मदद की है। हमने दूसरी लहर आने के पहले फाउंडेशन बनाया और लोगों से धन एकत्रित करना शुरू किया। मैं अपनी ओर से लोगों की मेहनत की कमाई व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आगे सोनू सूद ने कहा, मेरे घर पर छापा मारने आए इनकम टैक्स के अधिकारियों को बहुत अच्छा ध्यान मैंने रखा था। सोनू सूद पर मुंबई उच्च न्यायालय ने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन बिना सरकारी और डॉक्टर्स की अनुमति के बांटने को लेकर जांच के आदेश दिए। आपको याद होगा कि कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी और सोनू सूद के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जब कोरोना काल में लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सोनू सूद के पास सारी चीजें कहां से आई, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। तो ये मैं उसी संदर्भ में बात कर रही थी कि वो जांच भी उनके खिलाफ बैठी हुई है और ये इनकम टैक्स के अधिकारियों ने भी जांच उनके खिलाफ बैठाई हुई है। देखिए, जांच के बाद क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से सोनू सूद ने लोगों की मदद की है कोरोना काल में, यकीन मानिए ऐसा काम सरकारों को करना चाहिए था जो नहीं हुआ। लेकिन सोनू सूद ने काम किया, उसके बाद जैसे ही उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की उसके बाद पता नहीं क्या उलटफेर हो रहा है, अब ये तो जनता भी सब समझती है। खैर, इस पर हम अपनी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सोनू सूद का ये जो बयान आया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है सोनू सूद ने वाकई में कोई स्कैम किया है, कोई टैक्स चोरी की है, कोई फ्रॉड किया है, या फिर वो सच्चे दिल से लोगों की मदद कर रहे हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।